अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम अनंत अंबानी के वेट लॉस के बारे में बात करेंगे, क्या वजह है उन्होंने अपना वज़न जो है उनका इतना बड़ा हुआ है, और किस तरह उन्होंने अपना वज़न को कम किया था, और किस तरह अपने बढ़े हुए वज़न के साथ वो अपने वेडिंग इवेंट को इतना इंजॉय कर रहे हैं। तो उनका जो था, उनको शुरू से ही जो था वो अस्थमा का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन एक टाइम था 2014 में उनका वज़न जो था वो 208 kg था। फिर उसके बाद 2016 में 18 माह के अंदर अंदर उन्होंने 108 जो kg था वज़न जो था वो कम किया था, और इसके साथ उन्होंने जो था बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट, एक्सरसाइज, फिर डाइट प्लान फॉलो किया था। उनके ट्रेनर ने उनको बड़ी सख्ती से डाइट प्लान फॉलो करवाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना वज़न जो था वो बड़ी तेज़ी के साथ कम किया था। लेकिन अस्थमा के प्रॉब्लम की वजह से उनको दोबारा जो था उनका दोबारा जो था वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये उनकी मेन प्रॉब्लम है वज़न दोबारा बढ़ने की। लेकिन जब उन्होंने वज़न कम किया था 108 किलो, तो वो कैसे किया था? वो उन्होंने 5 से 6 घंटे वर्कआउट करके 21 किलोमीटर तक वो पैदल वॉक करते थे, इतनी उन्होंने रूटीन बना ली थी। फिर उन्होंने योगा बहुत ज़्यादा करते थे, फिर कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते थे, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज उन्होंने बहुत ज़्यादा की, जिसकी वजह से डाइट प्लान के साथ साथ उनको इन चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की वज़न कम करने के लिए। फिर उन्होंने लो कार्ब डाइट ली, हाई प्रोटीन और बहुत कम फैट लेते थे, जंक फूड उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिए थे, और 1200 से 1400 कैलोरीज के दरमियान उन्होंने जो था वो डाइट प्लान फॉलो किया था। हरी सब्जियां, सलाद वो सबसे ज़्यादा खाते रहे हैं, डेयरी में पनीर और दूध का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो स्किम मिल्क यूज़ करते रहे, और जंक फूड तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। और ये सारा जो फॉलो करके इन चीज़ों को और अपने ट्रेनर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना वज़न जो था वो 2016 में 18 माह के अंदर अपना 108 किलो वज़न जो था वो कम कर लिया था। फिर लेकिन उनका जो है उनका मेन प्रॉब्लम जो है वो अस्थमा है, जिसकी वजह से उनका दोबारा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो अब दोबारा पता नहीं वो वेट कम करेंगे या नहीं। लेकिन उनका जो मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है और स्टीरॉयड शायद वो लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। तो यही एक मेन वजह है कि वो दोबारा अपना वज़न जो है वो इतना पुट ऑन कर चुके हैं, और अपने इसी बढ़े हुए वज़न के साथ वो अपना वेडिंग इवेंट बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो वज़न कम या ज़्यादा हो, बस इंसान को मेंटली सेटिस्फाइड होना चाहिए।